एनसीपी महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी एवं ठाणे महानगर पालिका के नगर सेवक व गट नेता नजीब मुल्ला के जन्मदिन के अवसर पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से कालेर स्थित स्मिथ वृद्ध आश्रम में लगभग सैकड़ों बुजुर्ग लोगों को खाने की व्यवस्था के साथ ही उनके स्वास्थ्य के चेकअप के लिए डॉक्टर की टीम भी बुलवाकर चेकअप करवाया। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि उनके आदर्श युवा नेता नजीब मुल्ला हमेशा गरजू लोगों की मदद करते हैं, जिनसे सीख लेकर आज हम लोगों ने इस वृद्ध आश्रम में गरजू लोगों की मदद की है। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि इस अवसर पर वहां बाबा शेख, स्वप्निल गायकवाड़, शिराज शेख, अकबर कुवारी, सोनू निकम, पलराज, ओसामा खान आदि लोग उपस्थित थे। जी, मैं स्मित संस्थापन की संस्थापिका योजना घरत। मैं पिछले 25 सालों से ओल्ड पेरेंट्स की सेवा कर रही हूँ। आज जो TMC के गट नेता हैं नजीब मुल्ला जी और हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर उन्होंने यहाँ पे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्लस उनके लिए शीरा बनवा के लाया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने बर्थडे में इन लोगों का केयर किया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आप जैसे लोगों की अगर हेल्प मिलती जाएगी तो मैं बहुत सारा काम करने को तैयार हूँ। आप लोगों की जो छोटी छोटी हेल्प यहाँ मिलती है मुझे बूस्ट करता है अच्छा काम करने के लिए। ऐसे ही आते रहिए और हमें हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। आप लोगों को वृद्धाश्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नजीबुल्ला साहब को बहुत सारी बधाइयाँ। ऐसे ही उनका काम बढ़ते रहे और बहुत सारी सेवाएं उनके हाथों से होती रहे, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू। बड़ा यहाँ पर वृद्धाश्रम वगैरह है, ओल्ड एज होम है यहाँ पर। आज हमारे साहब नजीबुल्ला साहब का जन्मदिन था, जो काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ करते, हमको ऐसी ज़रूरत लगी कि यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। काफ़ी दिनों से यहाँ के जो संचालक है हमें बोल भी रहे थे कि हमें डॉक्टर की बहुत ही ज़रूरत है, तो हमारे मन में आया, हम लोग ने निर्णय लिया है कि हर मंथली यहाँ पर हम लोग चेकअप का कैंप रखेंगे। तो क्या मतलब क्या लगा आपको जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर की टीम पहुँची, लोगों की बीमारियाँ क्या थी? इनका कहना यह था कि यहाँ पर डॉक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत थी, जो हम लोग ने इसको सोचा और हमें ऐसा ज़रूरत लगा कि यहाँ पर डॉक्टर को आना बहुत ही ज़रूरी है हर महीने, कि यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह आते नहीं है, इसलिए हमने सोच कर ये निर्णय लिया कि हर मंथली 1 तारीख को डॉक्टर की विजिट कराएंगे। और आज हमारा खास उद्देश्य ये था, हमारे नजीबुल्ला साहब का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के मौके पर ये प्रोग्राम हमें सबसे बेहतर लगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत थी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ने इसको चॉइस करके प्रोग्राम को पूरा किया। और अभी यहाँ पर हमें संचालक ने बताया है कि यहाँ पर औसत की बहुत ही कमी है, दवाओं की कमी पड़ती है हर मंथ की, तो हम हर महीने के अंदर जो भी ज़रूरत की इनको दवा की पड़ेगी हर मंथ 1 से 1 तारीख इनको भेजेंगे। आमचे बॉस नजीब मुल्ला साहेबांना यांना वाढदिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा देतो। नजीब मुल्ला बॉस हे आमची त्यांची ओळख आहे, की माझं काम हीच माझी ओळख, त्यांच्या मार्गदर्शनातून आम्ही त्यांच्याकडनं शिकून हे काम केलेलं आहे। आम्हाला आमची एकच इच्छा आहे की नजीब मुल्ला साहेबांनीच चांगले चांगले काम त्यांच्या हातातून जेवढे होतील तेवढा करण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही। त्यामुळे आज आम्ही ओल्ड एज होम, जे स्मिथ ओल्ड एज होम आहे, इथे येऊन आम्ही फ्रूट्स आणि खाण्याचे पॅकेट्स वगैरे डिस्ट्रीब्यूट केले। त्यामुळे आम्हाला एक असं चांगलं वाटलं की ज्यांना मुलं नाहीत त्यांची मुलं म्हणून आम्ही काही वेळा आधी तरी राहिलो आणि त्यांच्या तोंडावर थोडं हास्य आणलं, त्यासाठी आम्हाला खूप आज चांगलं वाटलं। आमच्या हातातून असे कार्य अनेक वेळा होईल याची शाश्वती घेतो, आणि याची पोचपावती नजीब मुल्ला साहेबांपर्यंत पोचून त्यांच्या हातातूनही काय या स्मिथ ओल्ड एज होमसाठी काय होईल अशी विनंती करून त्यांच्याकडनं ते काम करून घेऊ आम्ही। पहिले तो मैं हमारे नेता नजीब मुल्ला साहब को उनके वाढदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये जो हम लोगों का जो टीम नजीब मुल्ला और हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से ये हम लोगों ने जो वृद्ध आश्रम में आके कालहर गांव में स्मिथ वृद्ध आश्रम करके है, यहाँ पे हम लोगों ने नजीब भाई के बर्थडे के रिलेटेड जो यहाँ के जो लोग हैं जिनकी उम्र कम से कम 50-55 साल है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उन लोगों को घर में कोई मतलब वो उनके घर से दूर है, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से हम लोग को एक प्राउड फील हो रहा है कि नजीब भाई के अंडर में हम लोग काम करने वाले जो कार्यकर्ता है उनके, वो यहाँ तक के पहुँच पाए जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। और यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किया और खाने के लिए भी जो व्यवस्था की गई थी वो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।